मेरी उम्मा आपकी वजह से यहाँ से गई। क्या मतलब मेरी वजह से? देखिए मेरी उम्मा बहुत खुददार, जहाँ पर इज्जत नहीं मिलती ना तो वहाँ से पानी भी नहीं पीती। आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या मतलब? उन्होंने सुबह सारी आपकी बातें सुनी और उसके बाद उन्होंने जाने का फैसला किया। हाँ तो वो अपनी मर्जी से गई है ना, मुझे इल्जाम मत दें। आप ही जिम्मेदार हैं। ठीक है तो आप दे दे मुझे सजा, मुझे निकाल दे इस घर से बाहर, बल्कि आप क्या निकालेंगे, मैं खुद चली जाती हूँ। अच्छा ठीक जाओ, लेकिन एक बात याद रखिए, आपके अब्बा ने जिन हालात में आपकी शादी की, अगर आप ऐसे गए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। जबरदस्ती की शादियों में ना यही होता है। मैंने भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं की थी। मगर मुझे खुश रखने का तो वादा किया था ना आपने। शोहर बीवी को तब खुश रखते जब वो खुद खुश, और जैसे आज मेरी माँ गई मैं बहुत दुखी। अम्मा, अम्मा, कोई ऐसा लफ्ज मत कहना कि मुझे अपने और तुम्हारे रिश्ते का ख्याल ना रहे। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो? जहन्नुम में झोंकने के बाद कह रही है कि अभी तक जली क्यों नहीं? अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? मैंने कितनी बार कहा था कि मेरी शादी मत करें, मगर आप लोग ने मेरी एक बात ही सुनी। बेटा हुआ क्या है? फराज से? फराज मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हैं अम्मी। वो बात आज इसके रवैये की वजह से मेरी अम्मा चले, और जब मैंने इसे समझाना चाहा तो खुद घर छोड़ने की बातें कर रही। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरी अम्मा मना करती थी मगर I'm sorry. Sorry for what? बहुत सारी बातों के लिए, शायद मेरी बातों ने आपको हर्ट किया। और मिस मैम, वैसे तो आप बहुत सेंसिबल हो, मगर आपको इंसानों को परखना नहीं आता, और अगर इत्तेफाक से मुखलिस लोग आपकी जिंदगी में आ जाएं, तो उनके खलूस पर कभी शक मत करें।